चाचा चौधरी और खूबसूरत औरत का होटल। हम ऊपर नहीं आएंगे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि ये सारे पैरों के निशान तुम्हारी मीनार की तरफ आने के हैं, लौट कर जाने वाला एक भी निशान नहीं है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू आओ, वापस चलें। रुको। वह औरत सीढ़ी से नीचे उतर आती है। तुम्हें जवाब देने मैं आ रही हूँ। तुमने सही पहचाना, अभी तक यहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं गया और ना ही तुम जाओगे। मेरी मशीन गन की गोलियाँ तुम्हें मारने के लिए काफी है। नाजुक औरत, लोहा थाम कर अपने हाथों को तकलीफ ना दो। मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ जितना तुम समझते हो, ये रहा सबूत। वह औरत मशीन गन दाग देती है। ओह, हटो, काफी हो चुका। आई, मेरी कलाई, बड़ा दर्द है, मुझे माफ कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक इमारत बनाने वाले मिस्त्री की पत्नी थी। वह शक्की किस्म का आदमी था। वह नहीं चाहता था कि शहर के लोग मेरी खूबसूरती को देखें और आकर्षित हों। इसलिए मिस्त्री सुनसान जगह पर आया और रहने के लिए ये इमारत बनाई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। अकेली औरत गुजारा कैसे करती? तब मैंने अपराध का रास्ता अपनाया। जो लोग आते मैं उनको लूट कर कमरे में बंद करती रही। चाचा चौधरी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। चाचा जी, कहाँ चल दिए? अभी ऊपर एक काम बाकी है। इमारत के अंदर, बाहर आओ, आप सब आजाद हैं, कपड़े पहनो। कुछ देर बाद, चाचा चौधरी तुम हमारे लिए देवदूत बनकर आए। और वह लोग अपना अपना रास्ता लेते हैं। इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत आए, यहाँ से चलते बनो। इधर चाचा चौधरी और साबू, चलो हम तुम्हें शहर में तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ देंगे, वहाँ तुम इज्जत की जिंदगी बिताना।